लाखों दिलों की धड़कन फवाद खान, जिनकी मैसूर कुन शख्सियत के सबब लड़कियां इनको दिल देने के लिए तैयार होती हैं। मगर इस दुनिया में एक लड़की ऐसी भी है जिसको फवाद खान ने अपना दिल दे दिया है और इसकी मोहब्बत में 8 साल तक दिन रात एक कर दिए थे। और बिला आखिर 12 नवंबर 2005 को एक निजी तकरीब में सदफ के साथ शादी करके अपनी सारी जिंदगी इसके नाम कर दी थी। सदफ खान 17 अप्रैल 1982 को पैदा हुई। वो और फवाद खान एक ही स्कूल में पढ़ते थे और एक दूसरे से पहली बार 16 साल की उम्र में मुतारिफ हुए थे। सदफ की खूबसूरती को देखकर फवाद खान पहली नजर में ही दिल हार बैठे थे और उन्होंने सदफ को प्रपोज कर डाला था। सदफ खान का ताल्लुक एक इंतहाई कदामत प्रस्त घराने से था और इनको किसी ऐसे नौजवान का रिश्ता कतई कबूल ना था जो कि म्यूजिकल बैंड का हिस्सा हो या शोबिज में हिस्सा लेने की तैयारी कर रहा हो। इस वजह से सदफ के वालदैन जालिम समाज के रूप में सामने आ गए। मगर फवाद खान ने ग्रेजुएशन की तकमील के साथ एक बाकायदा मुलाजमत करके इनके तमाम अंदेशों को दूर करके सदफ से शादी की इजाज़त हासिल करने में कामयाबी हासिल कर ली। शादी के बाद जबकि फवाद खान की शोहरत ड्रामा हमसफर के बाद आसमान तक जा पहुंची और हर एक की नज़र फवाद खान की वजाहत पर थम सी जाती थी, ऐसे वक्त में सदफ ने जिनका फवाद के साथ बचपन का ताल्लुक था एक मजबूत खातून होने का सबूत दिया और उन्होंने फैशन डिजाइनिंग के शोबे में कदम रख दिया और अपने शौहर की शोहरत से फायदा उठाने की बजाय अपनी शनाख्त बनाने का फैसला किया। उनका ये मानना था कि इनकी अमली जिंदगी में कदम रखने के बावजूद पहली कोशिश यही होती है कि इनके काम से इनका घर मुतासर ना हो सके। इसी वजह से एक बेटे और एक बेटी की माँ होने के बावजूद वो एक कामयाब खातून के तौर पर उभर कर सामने आ रही है। इनका ब्रांड जो कि SFKK के नाम से खसूसी तौर पर खवातीन की तकरीबात के लिबास डिज़ाइन करता है और इनकी तैयारी के हवाले से सदफ खान का कहना है कि वो कोशिश करती हैं कि इनके मलबूसात में कुदरती रंगों का इस्तेमाल किया जाए। जबकि अपनी बेगम के हवाले से फवाद खान का ये कहना है कि मेरी ज़िंदगी में जो भी अच्छा है उसका सबब मेरी बीवी है और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं एक ऐसे साथी का साथ पाने में कामयाब हो सका जो कि ज़िंदगी को मुकम्मल कर दे।